What's up? Welcome back to my channel. This is me, Vishaka, and I hope you all are doing awesome. So guys, today's video is gonna be really, really exciting. And in today's video, I'm gonna do a mini Shein jewelry and accessory haul. Yes guys, recently मैंने कुछ चीज़ें Shein से purchase की हैं. आज से पहले मैंने कभी भी Shein से shopping नहीं की थी. बहुत सुना था. और I know कि मैं बहुत late हूँ Shein से shopping करने के लिए, but it's okay. जैसे ही मैंने Shein पे कुछ चीज़ें देखी, खास करके ज्वेलरी एंड एक्सेसरी, सो आई कुडंट वेट टू ऐड देम इनटू माय कार्ट. सो हियर आई एम. और मुझे जैसे ही पैकेजेस रिसीव हुए, मैंने बस मुझे जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि पर्सनली मुझे खुद Shein के हॉल्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और शेयर करना तो उससे भी ज़्यादा पसंद है. सो आई होप कि आप लोग भी मेरी वीडियो को इन्जॉय करोगे. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. So guys, these are the two packets that I got. Yes, मुझे इस तरह के ziplock packet में मुझे receive हुआ है. और सारी चीज़ें guys मैं randomly आपको दिखाती जाऊँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का कुछ भी अता पता नहीं है. मतलब मैंने wrappers और सब कुछ इधर उधर फेंक दिया है, तो मैं आपको randomly दिखाती जाऊँगी चीज़ें. So सबसे पहले जो चीज़ मुझे receive हुई, मैंने परचेज की है, वो है ये कैप. यस, मैं इसको ओपन करती हूँ. जल्दी जल्दी दिखाऊंगी ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो. सो लेट्स ओपन इट. तो मुझे ये मैं काफ़ी टाइम से पिंक कैप लेना चाहती थी. सो मैंने ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इसका कलर काफ़ी अच्छा है, पेस्टल पिंक, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये पीछे यहाँ पे आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे टाइट और लूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर लिखा हुआ है कीप द फेथ. और मुझे एक चीज़ ये नहीं अच्छी लगी, मुझे पिक्चर में तो काफ़ी अच्छी लगी, बट मैं इसको देखती हूँ, निकाल भी सकती हूँ, मुझे ये कुछ खास नहीं लग रहा है. बट अदरवाइज़ ये मुझे बहुत ही पसंद आई. ओके, मैं इसको लगा के दिखाती हूँ. तो कलर मुझे काफ़ी पसंद आया एंड आई कांट वेट टू स्टाइल दिस विद द आउटफिट एंड कांट वेट टू वेयर दिस. सो ये मेरा फर्स्ट आइटम है. और प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पे देती जाऊंगी, बिकॉज मुझे याद नहीं है प्राइसेस. तो ये थी मेरी पहली चीज़. और सेकंड चीज़ मैंने ली है, वो है ये मास्क. ये फ्लोरल मास्क, जैसा कि आप जानते हो कि इस टाइम मास्क लगाना कितना ज़्यादा है. सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. सो मैंने इसको लिया है, आप इसको देख सकते हो. बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर कलर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था, बट ये ठीक है ओवरऑल. सो इस पर जो फ्लावर प्रिंट हुआ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो साथ साथ तो आपका फैशन भी हो जाएगा. मतलब आप वो नॉर्मल मास्क के बजाय आप ये लगा के निकलोगे तो काफ़ी ट्रेंडी भी दिखोगे, अच्छे भी लगोगे, और साथ ही साथ आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी. सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो ये हेड बैंड्स हैं, स्क्रंची, पता नहीं इसको क्या, इसका क्या नाम था मुझे याद नहीं है. तो ये मुझे काफ़ी क्यूट लगे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे थे. तो आप देख सकते हो उसके प्रिंट्स कितने क्यूट हैं, फ्लावर प्रिंट हैं. तो मैंने ये दो सेट था, तो मैंने इसे और ले लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आप इसको सिंपल ऐसे आप अपने हेयर्स में टाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लगेगा. ये देखो, आप इसको ऐसे सिंपल भी लगा लोगे, कितना क्यूट लग रहा है. सो मैंने ये ऑर्डर किया. वहाँ पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे और अच्छे मिल जाएंगे. सो ये था मेरा नेक्स्ट आइटम. तो ये है. तो नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई थी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो है ये बेल्ट. यस, लेट मी जस्ट ओपन दिस. इसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बट मुझे पिक्स में भी बहुत पसंद आया था और ये मुझे रिसीव भी बहुत ही अच्छे से हुआ है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे बकल बना हुआ है. मुझे ये बकल ही स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया. और वैसे तो ये बाकी बेसिक प्लेन ब्लैक बेल्ट है. किसी भी तरह के आउटफिट में आप इसको ऐड करोगे ना, एक अलग सा ही लुक आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा. सो ये मैंने लिया है और मुझे बहुत ही पसंद आया. सो नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मेरी फेवरेट है,
मैं काफ़ी टाइम से मेरी नज़र थी इस चीज़ पे, सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सा एक नेक पीस है, मैं ओपन करती हूँ। बहुत ही अच्छा नेक पीस है ये, आप देख सकते हो। ये 3-पीस सेट चेन का था, जो आपको मैं अभी पहन के दिखाती हूँ। सो एक मिनट। सो गाइज़ आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है, ये 3 सेट और नेक पीस है ये। आप इसको चाहो तो आप इसको सिंगल सिंगल भी पहन सकते हो। मुझे इस तरह से ही बहुत ही काफ़ी टाइम से मेरी इसके ऊपर नज़र थी एंड आई रियली रियली लव इट, और मुझे बहुत पसंद आया ये। आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, कितना एलिगेंट सा और कितना प्यारा सा लुक दे रहा है। आई रियली रियली लव इट, एंड इसका प्राइस भी काफ़ी सही था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सही है। इस प्राइस रेंज में कुछ इस तरह का मिलना awesome. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, जैसा पिक्चर में था बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। आप किसी भी ड्रेस में, जो सिंपल हो, प्लेन हो, किसी भी तरह के आउटफिट में आप इसको ऐड करोगे ना, एक अलग सा ही लुक आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये मैंने लिया है और मुझे बहुत ही पसंद आया। सो नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मेरी फेवरेट है, मैं काफ़ी टाइम से मेरी नज़र थी इस चीज़ पे, सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सा एक नेक पीस है, मैं ओपन करती हूँ। बहुत ही अच्छा नेक पीस है ये, आप देख सकते हो। ये 3-पीस सेट चेन का था, जो आपको मैं अभी पहन के दिखाती हूँ। सो एक मिनट। सो गाइज़ आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है, ये 3 सेट और नेक पीस है ये। आप इसको चाहो तो आप इसको सिंगल सिंगल भी पहन सकते हो। मुझे इस तरह से ही बहुत ही काफ़ी टाइम से मेरी इसके ऊपर नज़र थी एंड आई रियली रियली लव इट, और मुझे बहुत पसंद आया ये। आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, कितना एलिगेंट सा और कितना प्यारा सा लुक दे रहा है। आई रियली रियली लव इट, एंड इसका प्राइस भी काफ़ी सही था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सही है। इस प्राइस रेंज में कुछ इस तरह का मिलना awesome. So, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। गाइस जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मुझे इससे प्यार हो गया है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया काफ़ी टाइम से। अगर आप टैटू लवर हो और आपको नीडल से बहुत डर लगता है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, चाह कर भी नहीं टैटू करवा पा रहे हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको लीजिए। एंड दिस इज़, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको ये लगाया भी हुआ है। मेरा काफ़ी दिन का सपना आखिर में पूरा हो ही गया, यहाँ पे लव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया एंड बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू गाइस। काफ़ी अच्छे प्राइस में, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट है बहुत टैटू के, आपको इसके अंदर और 2 मिल जाते हैं स्टिकर्स। सो आप देख सकते हो इसमें कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे हैं। ये देखिए, हर तरह का है, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। जिस तरह का भी आप चाहते हो, छोटा बड़ा या ये आप स्लोगन वाले या फिर ये इस तरह के, तो आप ले सकते हो इसको। सो गाइस जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है ये 7-पीस रिंग सेट्स। यस आप देख सकते हो उसमें 7-पीस रिंग्स हैं, बहुत ही क्यूट से हैं। मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ, होल्ड ऑन। सो गाइस ये हैं वो रिंग्स, आप देख सकते हो कितने कूल लग रहे हैं, मुझे सच में बहुत बहुत पसंद आए ये। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यस। इसमें से कुछ छोटी हैं, मिड रिंग्स हैं, कुछ थोड़ी लूज़ हैं, कुछ टाइट्स हैं, तो बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में है, कुछ रेक्टेंगल शेप में है, एक यहाँ पे स्टोन इसमें है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, और स्पेशली ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आप देख सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट मैंने मंगाई है कुछ हूप इयररिंग्स। मैंने अलग अलग शेप की हूप इयररिंग्स मंगाई हैं, मुझे इस तरह की अलग अलग शेप की इयररिंग्स मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये है हार्ट शेप की इयररिंग्स, सो और भी है मेरे पास।
ये है स्टार शेप की इयररिंग्स, देख सकते हो आपको इस तरह की बहुत सारी मिल जाएगी, सेट्स में भी मिल जाएंगी आप और सेपरेटली भी ले सकते हो। तो ये है और एक मेरे और यहाँ पे ये डायमंड शेप की इयररिंग्स हैं, मुझे काफ़ी पसंद है, सो आई लव इट। एंड द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज ऑल्सो फ्रॉम शियन, आप देख सकते हो। सो ये किसी भी तरह की ड्रेस पे बहुत ही अच्छा लगता है, सो या। एंड नेक्स्ट मेरा जो आइटम है वो है ये पर्ल हूप इयररिंग, यस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया और आई थिंक इसका प्राइस था कुछ 164, यस या। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी डिटेलिंग हुई हुई है पर्ल्स की और बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक अलग ही लुक देता है। आप किसी भी प्लेन ड्रेस के साथ या किसी भी इंडियन वेयर के साथ आप इसे कैरी करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये किसी भी तरह के ड्रेस पे एक्चुअली ये जाएगा। सो मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया, सो ये है। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक और ये चेन मंगाई है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसमें यहाँ पे ये बटरफ्लाई बनी हुई है, देख सकते, लेट मी जस्ट वेयर इट एंड शो इट टू यू गाइज। सो गाइज एज यू कैन सी दिस इज सो प्रिटी, यहाँ पर जो ये बटरफ्लाईज बनी है मुझे बहुत बहुत क्यूट लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको कौन सी चीज़ मेरी, कौन सी एक्सेसरी, कौन सी चीज़ मेरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। सो दैट्स अबाउट इट, यही थी मेरी सारी चीज़ें जो मैंने शीन से ली थी, फर्स्ट टाइम ली हैं और मुझे तो काफ़ी पसंद आई। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और आई होप कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।